नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब एंड करियर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि RRB NTPC का जो रिजल्ट आया है वो इतना हाई मार्क्स क्यों चला गया, उसकी जो कट ऑफ है इतनी हाई क्यों चली गई, क्या नॉर्मलाइजेशन की वजह से इतना हाई कट ऑफ गया है या फिर कोई अदर फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लोगों ने इतनी उम्मीद कर रखी थी कि जो है जो कट ऑफ है वो 60 से पार नहीं जाएगी, 60 रो मार्क्स, यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 80 ज़्यादा मार्क्स चले जाएगा, लेकिन यहाँ तो 90 तक नॉर्मलाइजेशन चला गया है, काफ़ी मार्क्स इंप्रूव हुआ है। गवर्नमेंट कह रही थी कि नॉर्मलाइजेशन को बदल दिया गया है, लेकिन इस बार भी नॉर्मलाइजेशन पहले के अकॉर्डिंग ही मार्क्स बढ़े हैं। क्या CBT 2 में भी ऐसा रहने वाला है? और स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं वे दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मोस्टली वही स्टूडेंट हैं जो हर फेज में सिलेक्ट हो गए हैं। 5 फेज में दोस्तों जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं वो सारे सेम स्टूडेंट्स हैं। तो क्या ऐसा होगा कि जो सरकार इस रिजल्ट को दोबारा जारी करेगी, दोबारा से स्टूडेंट्स को छांटा जाएगा और दोबारा से 7 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा? अगर आप लोग को पूरी जानकारी चाहिए वीडियो में पूरी बने रहे। आप लोग देख सकते हैं ये पटना जोन की कट ऑफ है, आपके सामने दिया हुआ है। 3rd लेवल का एग्ज़ाम हुआ था जो उसका है, इसमें कट ऑफ काफ़ी हाई दी गई है। दोस्तों, इतनी किसी को उम्मीद नहीं थी, सबने अलग अलग एक्सपेक्ट किया था, सबको लगता था, बड़े से बड़े टीचर भी को भी लगता था कि जो है 65-70 जाते कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं जनरल की 92.14, SC की 80, जो ST की है वो 82, OBC की 90 और जो EWS की दोस्तों 87.82 तक कट ऑफ गई है। काफ़ी हाई कट ऑफ गई है, इतना दोस्तों किसी को एक्सपेक्ट नहीं था। और जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है वे सभी एक ही जोन से हैं। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनका लेवल 2 में सिलेक्शन हुआ है, वही लेवल 3 में सिलेक्टेड है, वही लेवल 4 में है, वही लेवल 5 में है। तो दोस्तों ये बहुत ही दिक्कत है, इसलिए एग्ज़ाम जो है जो हुआ है उसका रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, आप लोग प्रोटेक्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो एग्ज़ाम है जिसका रिजल्ट दोबारा आए। इतना हाई कट ऑफ जाने का कारण केवल नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के कारण इतनी हाई कट ऑफ गई है। गवर्नमेंट ने इस बार कहा था कि नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले को चेंज किया जाएगा, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। और आप देख सकते हैं कि उसका असर पड़ा है कि जैसे पहले मार्क्स इंक्रीज हुए थे इस बार भी ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार सबसे गलत ये हो गया कि जो सिलेक्शन हुआ एक ही स्टूडेंट का मल्टीपल टाइम हो गया और जो स्टूडेंट से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिससे उन्हें काफ़ी आघात पहुंचा है, वे काफ़ी परेशान हैं। तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रिजल्ट है उसको रिवाइज किया जाए, रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए। और आप लोग भी कोशिश कीजिए, आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए इसके प्रति, जो है बड़े बड़े यूट्यूबर्स को जो है इसमें एक्शन लेना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि जो है रिवाइज आंसर आ जाए। तो दोस्तों अपना सपोर्ट बनाइए और रिवाइज आंसर लाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।